हेलो दोस्तों, शरी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 का ये सरप्राइज टेस्ट 12th है और इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और सभी लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले 11 सरप्राइज टेस्ट ले चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार है। जो महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध चलता है और उसका उल्लंघन करता है। तो देखिए, ये कर सकता है, कौन कर सकता है? तो ये संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन इसे प्रारंभ कर सकता है और दूसरे सदन में फिर उसे पहले सदन में इसे प्रारंभ कर दूसरे सदन में भी भेजा जाता है और विशेष बहुमत से इसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है महाभियोग का, पूछ सकता है? तो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। ठीक, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं भारत में, और राष्ट्रपति भारत के जो प्रथम नागरिक भी बोला जाए तो राष्ट्रपति ही होते हैं, और इनके ही नाम पर कोई भी संधि या हस्ताक्षर होता है जो बाहर में होते हैं, विदेशी जो भी आपको संधि होता है। और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जो हमारे अभी राष्ट्रपति हैं ये रामनाथ कोविंद जी हैं, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। मैंने कल क्वेश्चन या उससे एक दिन पहले क्वेश्चन कराया था कि लोकसभा के बनने के लिए 25 वर्ष होता है और राज्यसभा के बनने के लिए कितने होता है न्यूनतम आयु जो होता है, ये होता है 30 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। यहाँ पर फिर से मैं आयु बता दूँ, अगर पंचायती राज में चुनाव लड़ना चाहते हैं कोई पंचायत में मुखिया उखिया का, तो 21 वर्ष चाहिए। अगर आप वोट डालना चाहते हैं किसी भी चुनाव में तो आपको 18 वर्ष चाहिए। ठीक, 18 वर्ष, और वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए आपका, ये जो प्रावधान है। और अगर लोकसभा का पूछा जाए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए लोकसभा के सदस्य के लिए, तो 25 चाहिए। अगर विधानसभा का पूछा जाए जो राज्य में होता है प्रत्येक राज्य में, उसके लिए भी 25 वर्ष चाहिए न्यूनतम, इसकी विधानसभा से विधायक बनते हैं लोग। और फिर यहाँ पर राज्यसभा आता है। ठीक, तो राज्यसभा से कितने चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए, जो कि इसका आंसर क्या होगा, 30 वर्ष होगा न्यूनतम। और यही विधान परिषद भी दे दे तो उसके लिए भी न्यूनतम कितने चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। अब बात आता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। तो ये सब प्रावधान याद रखिएगा। 2 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, इसमें से कौन से आर्टिकल है प्रत्येक राज्य को? तो ये अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 40 इसके बारे में बताता है। ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है, राज्य के नीति निषद तत्व में दिया हुआ है, जो संविधान के भाग 4 में है। ठीक, कि अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य का ग्राम पंचायत गठन का निर्देश दे सकता है प्रत्येक राज्य अपने। ठीक, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किया गया है। देखिए, संविधान जो है उसमें संशोधन टाइम टू टाइम किया जाता है और नए नए प्रावधान जोड़ा जाता है, वैसे ही किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किए जाते हैं? तो जो संशोधन है इसमें, ये आर्टिकल 368 के तहत किए जाते हैं, 368 के तहत। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमारे संविधान में सिंपल मेजोरिटी से भी संविधान संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि नागरिकता हुआ, या एक राज्य के दूसरे राज्य में परिवर्तन, या एक राज्य से दो राज्य बनाना ऐसे। और फिर दूसरा बात यह है कि हमारे जो संविधान है उसमें विशेष, जैसे कि आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है संशोधन, जैसे इसमें क्या होता है कि विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है 2/3, और इसमें एक और प्रावधान है जैसे कि विशेष बहुमत के साथ साथ जो आपको 50% स्टेट है उसका रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया 3 है। ठीक, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, भारत की जो कोई भी राज्य है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये आपको बताना है। तो ये जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी ये सुचिता कृपलानी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ये सुचिता कृपलानी कहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये यूपी की बनी थी। और अगर पहली महिला राज्यपाल पूछे तो ये सरोजनी नायडू थी, और ये भी कहाँ की बनी थी, तो यूपी, उत्तर प्रदेश की। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ मिला है, ये आपको बताना है। ये सिंधुकालीन स्थल से मिला है, ये मिला है चुनहुदड़ों से मिला है, कि एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। जो हमारे वेद है, वेदों की संख्या 4 है। ठीक, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो है ये हमारा ऋग वेद है। जैसे ऋग वेद है, सामवेद, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये 4 वेद हैं हमारे। ठीक, और इसमें जो हो जाएगा, पूछ रहा है कि ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ये सरस्वती नदी को माना गया है।
तो सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था, जो अहमदाबाद है इसका स्थापना किसने किया था, कि अहमद शाह फर्स्ट ने किया था। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था, तो अहमद शाह प्रथम ने किया था या फर्स्ट, तो एट के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये किसे कहा जाता है, ये अल्फांसी डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्फांसी डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो नौ का आंसर बी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, भारत में अगर पूछा जाए समुद्री मार्ग द्वारा सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे वो पुर्तगाली ही थे, क्योंकि वास्को डिगामा आया था कालीकट बंदरगाह पर 1498 में, ठीक। जिमोरियन राजा ने उनका स्वागत भी किया था, मसाले के व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बाद में साम्राज्यवाद के विस्तार भी करने लगे, फिर बाद में अंग्रेज भी आए, फ्रेंच भी आए, अलग अलग लोग आए। तो नौ के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस है कि जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे, ठीक, ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण बिहार से ही थे, ठीक, तो ये जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी, इनका जो पार्टी था इनका नाम था सोशलिस्ट पार्टी से, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा दस का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है कि आधुनिक रूस के निर्माता किसे माना जाता है, अभी के जो रसिया है आधुनिक रूस का निर्माता ये किसे माना जाता है, तो आधुनिक रूस का निर्माता जो है ये स्टालिन को माना जाता है, ठीक। तो ग्यारह का आंसर सी हो जाएगा। ये जो रूस है, ठीक, पहले सोवियत संघ था, रूस था उसमें सबसे बड़ा देश, और भी बहुत अलग अलग देश थे, फिर 1991 में इसका विघटन हो गया और ये रूस उसमें से सबसे बड़ा भी देश है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में मिलता है। देखिए, अलग अलग विटामिन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोषण से क्वेश्चन पूछते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार आता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन से में होती है, तो कोबाल्ट जो धातु है ये विटामिन B12 में होता है, तो इसमें 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, B12 में कोबाल्ट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है, जो सिरका होता है इसका खट्टापन जो होता है, इसकी खट्टा ये लगता है, किसके कारण होता है, तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है, एसिटिक अम्ल के कारण ये सिरका खट्टा लगता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये क्वेश्चन देखिए, ये दरोगा में भी क्वेश्चन आया था, बस क्वेश्चन को थोड़ा फ्लिप कर दिया था, घुमा दिया था। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसमें से कौन सी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसमें से बस यही हूबहू क्वेश्चन आ गया था, ये कौन सा था, तो विद्युत जनरेटर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो जो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एसआई में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा ये, और इसे ऐसे अगर न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ जाते हैं तो आपको बनाने पता होना चाहिए, कुछ बेसिक फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किग्रा है, तो पहले द्रव्यमान दे दिया, एम का वैल्यू दे दिया 500 किग्रा, 15 मीटर वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने पर ब्रेक लग रहा है, ठीक। तो ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर सेकंड हो जाती है, मीन्स की जो इनिशियल वेग, मीन्स की जो उसका गति था, भी बराबर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर यू 5 कर दीजिए, और टी कितना दे रहा है, 5 सेकंड दे रहा है। तो ये पूछ क्या रहा है, गति इतना हो जाती है तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल क्या है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एम तो दिया हुआ है, एम दिया है तो एक्सीलेशन निकालना पड़ेगा, तो एक्सीलेशन बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बटा में टी होता है। वी का यहाँ पर वैल्यू क्या है, 15 रखते हैं, यू का वैल्यू क्या है, मीन्स की यू का वैल्यू यहाँ पर है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 15 में से 5 यहाँ पर चला गया, यहाँ पर 5 रखिएगा, यहाँ 15 में से 5 जाता है तो 10 बचता है, और कितने समय दे रहा है, तो 10 बटा में कितने दिया है, टी 5 दिया, तो दो बार में कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, एक्सीलेशन 2 आ गया, तो और उससे गुणा कर दीजिए, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, एम दिया हुआ है, एम दिया है 500 और ए हम लोग निकाले हैं 2, तो 1000 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि एफ का यूनिट क्या होता है, इसके बल का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप निकालिएगा, इसे बनाइएगा, अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसे को बना दिया हूँ, इसे रोक कर आप देख सकते हैं, एक वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कैसे बना है, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आग बुझाने वाली गैस है, जब कहीं आग लग जाता है तो सबसे पहले आग जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो आग बुझाने वाली इसमें से कौन सी गैस होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आप आग बुझा सकते हैं। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है, जो हीरा है और ग्रेफाइट, एक बहुत ही कठोर पदार्थ है तो एक बहुत ही मुलायम है, तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, तो ये कार्बन का प्रूफ है, इसकी एक अप्रूपी है एक दूसरे के, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा,
हीरा जो चमकता है ये प्रकाश के टोटल में, इसकी जो प्रकाश होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे बोला जाता है, उसके कारण हीरा चमकता है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये दूसरे के अपरूपी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत का पहला सबसे इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्थापित है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? रुड़की में। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना है, और अभी तक ये इसका 11 वीडियो हो चुका है, नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में निम्न में से वो कौन बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों के लिए प्राकृतिक प्रवास है? इसके वहाँ एशियाई शेर रहते हैं, सिंह रहते हैं, ये भारत का एक ही है, ये कौन है? तो ये है गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको गुजरात में पड़ता है, ठीक, यहाँ एशियाई शेर मिलते हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी एसआई का क्वेश्चन है, एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन कि हॉर्नबिल त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? जो हॉर्नबिल त्यौहार है ये किस प्रदेश की त्यौहार है? तो ये हमारे पूर्वी जो पूरब में स्थित है, नागालैंड का जो पूरब में स्थित नागालैंड है वहाँ पर मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। बहुत लोग विदेश से भी आते हैं इस त्यौहार में शिरकत करने के लिए, ठीक। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। मैं मास्टर वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी मास्टर वीडियो भी आपको मिलने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।